हम लोग उठे तो गोबर की पूरी छाप हमारी पीठ से लग चुकी, क्योंकि जो दबाव पड़ा शरीर का गोबर रहा गया। और उसके बाद साथियों में कहना चाहता हूं, क्या सुनहरे दिन समाजवाद के उन दिनों में थे। देख में पड़ते हुए पकता हुआ चावल, कच्चे पक्के चावल नमी डालकर हमारे प्रतिनिधि साथी खाकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता था। सुबह कपूरी जी जब घूमते हुए पंडाल उन टेंटों के सामने से गुजर रहे थे तो कोई प्रतिनिधि की शिकायत नहीं थी कि हमारी कमर के अंदर गोबर लग गया, कहां आपने हमें ठहराया है। इनकलाब जिंदाबाद, कपूरी ठाकुर जिंदाबाद, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नारा लगा। मैंने सोचते सम्मेलनों में कपूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी और दादा अंबिका, खास तौर से तीन हमारे बुजुर्ग थे, मंच के ऊपर सोशलिस्ट गीत गाते थे, फैले लाल निशान हमारा, हल चक्र का मेल निराला, औरों का घर भरने वालों, खून पसीना करने वालों, कह दो इंकलाब आएगा, पतन निजाम दिया जाएगा, फिर होगा जग में उजियारा, फैले लाल निशान हमारा। कर्पूरी ये जब स्वर है स्वर, वो गीत गाते थे, पैदल चलता हुआ, नाव से आता हुआ, रिक्शा तांगे से दूर दूर से आता हुआ कार्यकर्ता अपनी परेशानी को, पशेमानी को नहीं जानता था। उसके दिमाग में नक्शा था, मसावाद आएगा, समाजवाद आएगा, गरीब का राज दिल्ली पर होगा। कपूरी ठाकुर जैसे हमारे नेता हैं, आज मैं कहना चाहता हूं कथनी और करनी की जो समानता कर्पूरी जी में थी, उसी से बिहार जैसे राज्य के अंदर जलती हुई आग है जा, उसको अगर उन्होंने बार बार पटकनी दी तो केवल अपने व्यक्तिगत किरदार से, अपनी ईमानदारी से, अपनी बुलंदी से। कपूरी ठाकुर जैसा मुख्यमंत्री, साधारण वेशभूषा वाला आदमी, गुर्बत में जैसा पैदा हुआ वैसा ही मर गया, घर का पक्का मकान नहीं बना पाया, इसी बुलंदी इतिहास को देखकर बिहार का बड़ी से बड़ा कोई भी सरमाएदार हो, पूंजीपति हो, भूमिपति हो, उनके सामने नतमस्तक हो जाते। एक ही चीज थी, राजपुर और भूमिहार बाहुल, उन इलाकों से कपूरी ठाकुर बावन से लेकर कभी हारे नहीं। कपूरी ठाकुर की ताकत कोई पैसे की ताकत नहीं थी, कोई बाहुबल की ताकत नहीं थी, उनके अपने व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व था, ईमानदारी थी उनके चरित्र के अंदर, जो उनका समर्पण था, उसके कारण होते। साथियों मैं कहना चाहता हूं, आज मैं फक्र के साथ इस बात को रखना चाहता हूं, और मेरी बड़ी भारी इस मामले में मेरी शिकायत, मेरा प्रोटेस्ट, जितनी हिंदुस्तान में समाजवाद की पार्टियां के नाम से बिल्ला लगाकर चलती हैं, जो कपूरी ठाकुर और लोहिया का नाम लेकर चलती हैं, उन्होंने नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए कुछ नहीं। आज हमें इस बात का फक्र है कि समाजवादी समागम, जो हमारे कुछ चंद साथियों ने मिलकर वैचारिक रूप से बनाया, चंद साथियों ने मिलकर इस मुहिम को खड़ा किया। प्रोफेसर आनंद कुमार यहां पर है, सुनीलम यहां है, रमाशंकर सिंह यहां है, डॉक्टर अनिल ठाकुर यहां है। चंद लोगों ने तय किया कि हम विचार की काम के अंदर अपने आप को जोड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से साथी रमाशंकर सिंह को एक मामले में सलाम करना चाहता हूं। अकेले व्यक्ति ने 22 किताबों का हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन से संबंधित, डॉक्टर लोहिया की वाणी से संबंधित 22 किताबों को प्रकाशित किया। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जैसे बड़े व्यर्थ ग्रंथों को भी प्रकाशित करके रख दिया। आज भी कपूरी ठाकुर जी के लिए दो पुस्तकों को का उन्होंने जिस शिद्दत के साथ उसका निर्माण किया मैं जानता हूं। लेखने के अंदर कितनी, जब आदमी कोई संपादक बनता है
कोई किताब छापता है, कितने लोगों को कितनी बार मनुहार करता है, महीनों से लिखते रहते हैं भाई आर्टिकल भेजा नहीं, लेने से लेके उसके छपने तक की उसकी प्रूफ रीडिंग तक का साथी रमाशंकर सिंह ने वो कार्य किया। और आज का ये आयोजन, इसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। संख्या बल से बहुत खुशी तो होती है कि अगर यह हॉल भरा होता, मगर यहां की मुकामी भीड़ के मुकाबले में कर्नाटक से, हैदराबाद से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मुख्तलिफ इलाकों से, बंगाल से, जिस तरह हमारे साथी यहां पर आए हैं, मध्य प्रदेश से, सारे सूबों से, नेपाल से भी हमारे साथी आए हैं, तो इनकी तुलना के अंदर स्थानीय मुकामी भीड़ को मैं उतना अर्थ नहीं देता। ये कपूरी ठाकुर की विचारों की जीत है, ये उनके प्रति आस्था है कि उन्होंने हमारा मार्ग दिखाया। कपूरी ठाकुर के नाम पर कई पार्टियां मैं देखता हूं चलती हैं, पर क्या उन्होंने भी विचारों के शिक्षण के लिए काम किया? हमारे बचपन के अंदर हमारे शोषित नेताओं ने हर साल हर महीने मुल्क के मुख्य इलाकों के अंदर शिक्षण शिविर लगते, हमें आके उन शिक्षण शिविरों के अंदर हमारी वैचारिक जो रूपरेखा है, विचार की जो हमारा समाजवाद का फलसफा है, उसको पढ़ाया जाता है। एक बार दिमाग में अगर आप समाजवाद का कीड़ा डाल दोगे, ता उम्र आदमी कितनी भी मुखालफत हो, कितनी भी दुश्वारियों हो, परेशानी हो, वो हट से हटेगा। सत्ता के साथ रहने वाले लोगों का इस्तकबाल करना वो बुलबुले की तरह चला जाता है। ना जाने कितने चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर इस बिहार के अंदर हुए होंगे, उनका कोई नाम भी आज नहीं जान रहा, मगर जो जो समय गुजरता जाएगा कपूर ठाकुर का इस्तकबाल बुलंद होता है। उन्होंने हमें प्रेरणा दी, हमारी जड़ों को पाताल तक ले गए। समाजवाद का परचम अगर बिहार में पनपता है तो यह हमारे उन नेताओं की वजह से, जेपी से लेकर लोहिया तक की कुर्बानियां, हमारा इतिहास आजादी की जंग का। आज मैं जब ये आज के प्रधानमंत्री के ये सब हिंदुवाद के इदारे को देखता हूं, एक तरफ हमारी तबाही के इतिहास समाजवाद का 1934 में बनी कांग्रेस शोषित पार्टी और उसके साथ जुड़े हुए हमारे नेताओं ने, 19 साल के, 20 साल के, 17 साल के शोषित नेताओं ने आजादी की जंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए अपनी जवानी को, अपने लड़कपन को हिंदुस्तान की जरूरत में डाल दिया। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे जब जेपी और मोदी उनके काबिने में आए, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जेपी को जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, लेबर सेल का उन्होंने किसान इंचार्ज बनाया। डॉक्टर लोहिया विदेश से अभी आए थे, उनको फॉरेन डिपार्टमेंट का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उसका इंचार्ज बनाया लिखा। ये चाहते तो काबीना के मंत्री बन सकते, मगर सोशलिस्टों ने तय किया जमहूरियत में जितनी जरूरत सरकारी पार्टी की है उससे ज्यादा अहमियत उसकी मुखालफत करने के लिए डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी की है। सारी जवानी अपनी हिंदुस्तान की जेलों में गुजारने वाले शोषित नेता एक झटके में कांग्रेस पार्टी छोड़कर 1948 में शोषित पार्टी बना देते हैं, फिर सियासत के बियाबान के अंदर हमारे नेता चल पड़ते हैं। तमाम उम्र समाजवाद का अलग जगाने के लिए हर तरह की लानत मलानत कहते हुए, हर तरह के हमले सहते हुए हमारे नेताओं ने समाजवाद का बुलंद कर रखा। साथियों, साथी रमाशंकर सिंह ने कहा था कि आपको 15 मिनट तक अपनी बात सुनाऊंगा, मैं कहना चाहता हूं कि जितने बाहर से मेरे साथी आए हैं, ये जो हाथी में जो उर्वशी है, हमारा विचार का जो वट वृक्ष है, इसके सामने कोई हिंदुस्तान की सियासत नहीं, हिंदुस्तान में कोई विमर्श ऐसा नहीं है जिसको डॉक्टर लोहिया ने ना चलाया जो ना लिखा। यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी तरह के विषय हैं,
ये सब 1950-55 60 के अंदर कलमबंद हो चुके। विचार हमारा रहेगा, हमारे अस्तित्व को कोई खत्म नहीं कर सकता। आज का प्रधानमंत्री तासु भी हिंदू मुसलमान के बीच में फसाद कर भक्ते पहलू आप गद्दी पर काबिल हो सकते हो, पर विचार के बिना ये पौध कब सूख जाएगी? हमने इतिहास के अंदर बहुत देखा, परिवर्तन देखा है कि कैसे 2/3 मेजोरिटी वाला आदमी अगली बार उसका पता नहीं चलता। हमारे विचार नौजवान लोगों में विचार ले जाने के काम जिस तरह से वैचारिक प्रतिबद्ध हमारे साथी लोग लगे हैं, मैं उनकी सबकी दिल से उनका आदर करता हूं, उनका समर्थन करता हूं। कितनी किताबें अब आप देखिए मंच के ऊपर, कितनी किताबों का आज हमारे सामने प्रतिष्ठित है। ये किसी पूंजीपति के पैसे से नहीं बने, किसी मंत्री की कृपा से नहीं बने, किसी सरकार में रहने वालों की वजह से नहीं बनी। विचार से बंधे हुए लोग इस काम में लगे हैं। साथी रमन शंकर सिंह, पिछले 10-12 साल से मैं देखता हूं कितने बड़े बड़े इजलास रामनाथ ठाकुर जी दिल्ली के अंदर थे, कर्पूरी ठाकुर जयंती। आज मैं इस बात को तारीफ करना चाहता हूं साथी रमन शंकर सिंह, मधुल में जन्म शताब्दी समारोह, कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह, ये इनके दिमाग की उपज और इनकी पहल और इनकी मेहनत का फल था। दिल्ली में जिस बड़े स्तर पर कर्पूरी जी का प्रोग्राम को आयोजित किया गया, हर तरह के मशहूर मारूफ आलिम फाजिल लोग वहां पर थे। आज कर्पूरी ठाकुर का परचम दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक उनको याद किया जाता है। वो इसलिए कि विचार की लड़ाई में हम लोग खड़े हैं, कभी हम पे तो निराशा छाती नहीं। अब आज कोई कहे कि हॉल भरा नहीं, कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये जो जिक्र अभी रमन शंकर सिंह ने कहा करा था, उसके बाद से मैं अपनी जरा उसको तरफ छोड़ते हुए अपनी बात तो खत्म करूंगा। हमारे कैसे नेता थे, हमारे कैसी कैसी सभाओं का होता था। मैंने बिहार के अंदर मधुबनी में जी के साथ लगभग 10-12 साल बिहार के चौक चप्पे चप्पे पर उस जमाने में घूमते थे। रात को गाछ के मुझे कई बार ध्यान आता था, बांका से जब लड़े मधु जी जाते थे, गाछ के नीचे भरी सर्दी में ओस तक वहां पर गिरती हुई और उसके अंदर मंद मुद होकर आदमी वहां पर उनको सुनते थे। तो मैं एक किस्सा बता के अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारे नेता कभी ये नहीं पूछते थे कितने लोग वहां आए या कितने लोग हैं। 100 आदमी हो, 50 हो या 50,000 का मजमा, बात उनकी ऐसे थी जैसे 50,000 को वो मुखातिब होते। राज नारायण जी ने एक दिन कहा, 95 साउथ हमनी में रहते थे, कहा हो जलसा है वहां। आमोदवा हमारा एक साथी थे, कहा आमोदना ने जलसा रखा है, आज वहां चल रहा है। तो एक टैक्सी में प्रोफेसर विनय कुमार जी हमारे नेता होते थे, वो और मैं और नेताजी अगली सीट पे बैठ गए। हम पिछली 2 सीट पे बैठ गए, वहां से हम लोग जलसे के लिए चल दिए। रास्ते भर नेताजी ने पूरे सोशलिस्ट तवारीख के कई किस्से ऐसे पूरा इतिहास सुनाते गए। सर्दी के बड़े भयंकर दिन थे। अब हम वहां पर पहुंच गए आमोद के घर के पास। मुझसे नेताजी ने कहा जाकर जाओ आमोद को कहो हम आ गए, जलसा कहां लगा है। मैं ऊपर गया उनके घर पे, तो वो तो थे नहीं, उनकी घर पत्नी जी थी। मैंने कहा जी नीचे नेताजी आए हुए हैं और आमोद जी, जलसा कहां लगा है। कहा जलसा, अब उनको तो कोई पता नहीं है, आमोद जी तो दिल्ली गए हुए, दिल्ली गए हुए हैं। मैंने कहा नेताजी नीचे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो एक वर्मा जी आपके पार्टी के हैं वाइस प्रिंसिपल साहब, उनको पता होगा। तो एक बच्चा हमारे साथ भी, तो वर्मा जी के मैं गया, वर्मा जी अपने 2-3 शागिर्दों के साथ बैठे थे।
मैंने कहा नेताजी आए नहीं जलसे के लिए, कहना नेताजी आए राजभवन में आए, मैंने कहा नीचे बैठ। वो बेचारों हड़बड़ाहट में उनको समझ नहीं आया कुछ, जैसे होता है फटाफट वहां से ऊपर से भागे दो जैसे ही पढ़ा जलसा तो नहीं लगा। कहा पागल भाई हमारे पास आया था, कहा था जलसा लग दीजिए फलानी तारीख को, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वर्मा जी ने जो थे अपने घर के नीचे अपने ऊपर घर से एक मेज रख के नीचे और एक दरी एक दो घर की लगा दी और कहीं से भगदड़ करके एक लाउड स्पीकर का इंजाम किया, नेताजी की तकरीर वहां शुरू। तो वो मजदूरों का कुछ इलाका था तो साइकिल पे शाम को मजदूर जाते थे, तो कहा नेताजी का कहा हो का नाम है अपना भोजपुरी में पतिया थे जैसे किसे क्या नाम है तुम्हारा करते थे दस दिन। और फिर नेताजी ने कहा मैं जानता हूं भाइयों जो रमाशंकर जी ने बताया था आप घर में बैठे मेरी बात सुनो, हम तीन चार साथी नीचे ऊपर दरी पे बैठे हुए और डेढ़ घंटे तक नेताजी ने पूरा समाजवाद का जो पूरा पांच नीचे बैठे थे हम बाकी आ जा रहे थे साइकिल पे जो बेचारे मजदूर से सुनते थे रुक जाते थे घरों में सुनने चला बैठे थे हजारों लोग। कहने का मेरा मकसद है कि नेता की कमिटमेंट पांच लोगों में भी अगर बात चली जाए, दो लोग भी अगर हमारे संगठन के बन जाएं, तो यह हमारी सार्थकता है। हजारों के हुजूम में बोलने वाला नेता, लाखों की खलकत मुझे चाहिए, जिंदाबाद इस्तकबाल के नारे लगाने वाले जैसे गधे के सिर से सींग जाता है, हटते ही पावर से नामों की छाल नहीं होती। कितने मंत्री एमपी चीफ मिनिस्टर बिहार में हुए हैं, किस नेता की ताकत है कि 100 साल के बाद इतने लोगों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों को पटना के अंदर वहां पर पहुंचा दे सर्दी के अंदर। ये विचार की आंच थी, ये कपूरी ठाकुर का करिश्मा है, उनकी नाव उनकी ताप उनका त्याग उनका संघर्ष इस बिहार की धरती के अंदर जो समाजवाद की अलख जगाने वाले हमारे रहवर कपूरी ठाकुर जी को, उनके लिए हमें उन पर फख्र है। हमारी नस्ल कभी खत्म नहीं होगी, समाजवाद का परचम कभी इस धरती से मिटेगा नहीं। वो वक्त की बात है, कभी संख्या बल कभी कम आएगा कभी ज्यादा जाएगा, पर ये किताब इस बात की गवाह है। ये लहराता जाएगा, परचम बढ़ता जाएगा, इन किताबें इतिहास को जिंदा रखेगी। ये हमारा इतिहास कभी मिटेगा नहीं, ये देन हमारे पुरखे कपूर ठाकुर की है। मैं उनको नमन करता हूं, अद्भुत साथी बिहार के साथियों ने यहां मेहनत करके इतना काफी दिन से लग के किए है, उन लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं, शुक्रिया। ये तो बहुत लंबे हैं, कई वो तो पूरा धन और धरती बटके रहेगी, भूखी जनता अपना सहेगी, कमाने वाला खाएगा लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, फेरे लाल निशान हमारा। तो मैंने बताया जनभाषा में पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो, अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा। डॉक्टर लोहिया का अरमान, मालिक हो मजदूर किसान, चले देश में देशी भाषा, यही संसो पाने बांधी का पिछड़े पाने सौ में साथ, यही था। अब आप ही देखिए ये खूबी थी विचार की, जैसे गीत या कविता याद हो जाती है, गांव गांव में हिंदुस्तान के लोहिया के विचार की ये सूक्तियां रटी पड़ी है, वो गीत के रूप में गांव वाले लोग, वरना हमारे हाँ। अब आप ही देखिए हमारे इतने इंटेलेक्चुअल में देखता हूं, दिल्ली शहर का बाशिंदा होने के कारण वॉल्यूम पे वॉल्यूम उनकी किताबें पॉलिटिकल फिलोसफी खाती है,
एक शब्द भी कोई उनकी इस किताब का रेफरेंस कभी कोई देता नहीं। ऐसा लगता है कि किताब वो अखबार और किताबों की कतरन की से बनी हुई किताबें केवल लाइब्रेरी में या अपनी अलमारी के अंदर सजने के लिए है, उसका कोई प्रभाव आम जनता पे नहीं है। जब आम जनता पे प्रभाव है उसका प्रमाण हमारे सामने ये है। साथियों, मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं तो बड़ा उत्साहित हूं। मैं अगर यहां पे हमारे बिहार के साथी अगर इसको भर देते आ जाते उससे इतना ज्यादा मैं मुतासिर नहीं होता। इतने लोग इतनी दूर से पूरे देश को नापते हुए सर्दी में पहुंचे विचार के लिए, मैं सलाम करता हूं सर। नमस्कार। ये खुशी की बात है कि हम इंतजार भी कर रहे थे, श्री बी आर पाटिल जी आ गए हैं। बी आर पाटिल जी को अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और पाटिल जी पुराने समाजवादी कार्यकर्ता हैं। तो एक बीच में जो हम लोग चुप कर गए थे कर्पूरी जी के चित्र माला चढ़ाने के लिए, सबसे पहले दक्षिण भारत से जो लोग अपने आए हैं उन्हीं को निमंत्रित करता हूँ। पाटिल सर, अली बाबा, माइकल फर्नांडिस, प्लीज, एंड ऑल अदर्स हु हैव कम फ्रॉम कर्नाटका एंड तेलंगाना एंड कोलकाता, द गर्ल्स फ्रॉम कोलकाता, प्लीज कम। ये भी कुछ मतलब कुछ आए हम लोग यही जानते हैं किसी को झारखंड सरकार में कोई मतलब नहीं, कुछ पचकमा कर नहीं बनाया क्या, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब ये फिल्म बनी उसके आप देखिएगा, 45 मिनट की फिल्म। अच्छा, खर्चा होते ना आपने भेजा जो भी। हाँ हाँ, फिल्म अभी तक बनी और इस साल का हमारा अधिवेशन हैदराबाद में कब है, 6 या 7 दिसंबर, वो एक साल पहले ही तय हो जाता है। एक बार कलकत्ता में भी कर रहे थे, बोल रहे थे आना, कलकत्ता भी हुआ, गोवा माला चढ़ाई, अरुण जी चढ़ाए, शंकर तिवारी जी नेपाल से आए, सारा सब फिल्म यूट्यूब पे है, देखूंगा बहुत अच्छे से। चाहो अभी तो प्रवक्ता बने हैं आप, बहुत अच्छे काफी बुला रहे हैं आपको। कर्नाटक से नहीं आए, कर्नाटक ने भी बेटी को पेटी।